अगला है फ्रैक्चर पॉइंट। ये फ्रैक्चर पॉइंट आपके कमर दर्द के लिए दिया जाएगा, यानी किसी को कमर में दर्द है, किसी की कमर की सेटिंग बिगड़ी हुई है, किसी की लंबर की सेटिंग बिगड़ी हुई है, मन के ऊपर नीचे खिसके हुए हैं, डिस्क अपनी जगह से खिसकी हुई है, तो उस समय पर ये कुछ स्टेप को कंप्लीट करते हुए पॉइंट जाएगा। सबसे पहले हमने क्या करना है कि L5S1 घिसाई हमने देना है, L345 देना है, उसके बाद हमारा फ्रैक्चर का पॉइंट जाएगा। इसमें क्या करते हैं, इसमें बटक्स के मसल्स को नीचे की तरफ खींचते हैं, जब बटक्स के मसल्स नीचे की तरफ खींच जाएगी तो धीरे धीरे क्या करना है, आपने ये टाइट कर लिया अपने मसल्स को, अब दोनों पैरों को ऊपर मोड़ लीजिए, आप दोनों पैरों को ऊपर उठाओ, एड़ी मिला लीजिए, हाँ थोड़ा सा नीचे और नीचे एड़ी मिला लीजिए, यहाँ पर ये होल्ड करेंगे और मैं मसल्स को नीचे की तरफ लेकर जाऊँगा, फिर ये पैरों को नीचे कर लेंगे। इस क्रिया को 3 बार दोहराना है, पहले मसल्स को नीचे की तरफ खींचना है, दोनों पैरों की मदद से खींचना है, जब मैं होल्ड करूँगा पैरों को ऊपर उठवाऊँगा, यहाँ होल्ड करिए और धीरे धीरे मसल्स को नीचे की तरफ ले जाकर ये पूरा का पूरा दबाव इनके कमर पर आएगा। नीचे कर लीजिए, आराम से रिलैक्स कर लीजिए, घुटने पर आपने प्रेशर नहीं देना। फिर तीसरी बार फिर मैं दोबारा से करूँगा, तो आप डायग्राम देख रहे हैं, जो डायग्राम नीचे की तरफ एरो है वो ये डायग्राम है, जो नीचे की तरफ एरो है हमारे डायग्राम में, तो ये एरो है कि आपने मसल्स को नीचे खींच रहे हैं, फिर आपने जो पैर ऊपर मुड़वाए ये दूसरा डायग्राम है, इस तरीके से डायग्राम बना है और वहाँ 1 2 3 लिखा हुआ है, यानी कि इस क्रिया को हमने 3 बार दोहराना है, बस नीचे की तरफ कर लीजिए। ये हमारा फ्रैक्चर का पॉइंट है और फ्रैक्चर का डायग्राम आप वहाँ देख ही रहे हैं, उसी डायरेक्शन में 2 हमने काम किए हैं, दोनों का डायग्राम हमने वहाँ बनाया है। कमर दर्द में देते हैं, कमर की सेटिंग करने के लिए देते हैं, लंबर की सेटिंग के लिए देते हैं, स्लिप डिस्क की सेटिंग के लिए, वर्टिब्रा की सेटिंग के लिए हम फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट देते हैं।